और अब से थोड़ी देर बाद होगा ट्रेडिशनल डांस। कोहिस्तानी लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, तो रेडी है हम सब दोस्त और उम्मीद है कि बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलेगा आज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है बिल्कुल एक ट्रेडिशनल डांस देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कि कैसा है। जी इस वक्त टाइम है 11:30, आधे घंटे बाद फिर होगा फायरवर्क, तो आपको दिखाएंगे कलाम में है किस तरह फायरवर्क, तो सब इंतजार में है। इस वक्त आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तादाद में कोहिस्तानी लोग आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह बाकी सिटीज है इस्लामाबाद लाहौर कराची में सेलिब्रेशन होती हैं, तो एग्जैक्टली सेम, बल्कि उधर से अच्छा बिलाल मेरे ख्याल में इधर सेलिब्रेट हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को सलाम, और मुझे बहुत खुशी हुई फर्स्ट टाइम मैं कलाम में देख रहा हूँ कोहिस्तानियों का प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से, और बिल्कुल मैं हैरान रह गया हूँ कि इस तरह सेलिब्रेशन, ये तो पेशावर में भी नहीं है। इंशाल्लाह हमें चाहिए कि प्यार मोहब्बत से रहें और पाकिस्तान को अपने इलाकों को आबाद रखें। अच्छा जी, देख लिया आप लोगों ने कलाम वालों ने किस तरह सेलिब्रेट किया 14 अगस्त को, फायरवर्क आपने देख लिया, ऐसे लग रहा था हमें एक समय के शायद हम इस्लामाबाद में, ये सब मुमकिन हुआ रियाज भाई की तरफ से, हम रिलैक्स कॉटेज के ओनर सब ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था, तो हमें बड़ी खुशी हुई, हम बहुत मुतमईन है और हमें अब पूरा यकीन हो गया कि कोहिस्तान के लोग पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो थैंक यू सो मच रियाज भाई, आप लोगों ने जो तकरीब यहाँ पर अरेंज किया, यकीनन आप लोगों की कोशिशों और काविशों के बगैर ये नामुमकिन था। बस यही है जो कबीर भाई ने कहा है, पाकिस्तान हम सब का है, ये जो जश्न आज़ादी का दिन ये एक साल में एक दिन हमें इसमें हमें चाहिए कि बिल्कुल हम सेलिब्रेट करें, और जैसा आज कलाम में किया ये तारीख का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था, और स्पेशली हम जो यहाँ पर हमारा होटल है रिलैक्स कॉटेज, जो रिलैक्स कॉटेज के नाम से हमने दिया हुआ है, तो हम आगे अगर टूरिस्ट भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल हम यहाँ पर आपके लिए हाजिर हैं, और कलाम में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अमल व अमान है। देख लें रिलैक्स कॉटेज ने हमारे 14 अगस्त को बहुत ही कलरफुल बनाया है, केक भी है, ट्रेडिशनल डांस भी था, फायरवर्क भी है, अब बारी है केक काटना है हमने, तो रियाज भाई आपने बहुत मेहनत की है, और अब बारी है केक, इजाजत है काटेंगे हम। सिर्फ 14 अगस्त को पाकिस्तानी नहीं है, हमें चाहिए कि 365 डेज, पूरी उम्र जितनी लाइफ है हमारी, हम पाकिस्तान के लिए सर्व करें, पाकिस्तान की खिदमत करें, चाहे जो भी शोबा हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, टूरिज्म हो,
हम अगर नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए कुछ तो फिर पाकिस्तान बनेगा किस तरह। तो हम इस दुआ के साथ केक काटने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को सलामत व आबाद रखे। आमीन आमीन। फिर आप लोगों के हम बहुत मशहूर हैं कि आपने यहाँ पे आके इसको चार चांद लगा दिया है, इसलिए कि बहुत सारे लोग आपके पाकिस्तान के लिए स्पेशल जो है ना कंट्रीब्यूशन है, आप टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, पूरी दुनिया में आप घूम फिरते हैं, और फिर स्पेशली कलाम में जो आपकी काविश हैं वो बहुत अप्रिशिएटिंग है। मैं बतौर कलाम का एक आम जैसे आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। काफी रोल आपका भी है। सबसे पहले तो सब 14 अगस्त मुबारक को, और ये सब परेड जिस तरह भाई ने बताया कि ये कबीर भाई को जाता है, पिछले 2 महीनों से कबीर भाई कलाम को जितना एक्सप्लोर किया है ये हम इनका शुक्रिया अल्फाज से बयान नहीं कर सकते, लेकिन कबीर भाई जो कह रहे हैं, जो मकसद है इनका, आप लोग आवाम ये सुन ले सारे और इन पर अमल करें। कबीर भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना टाइम दिया आपने कलाम को, और उसके बाद जितना कलाम खूबसूरत है मैार के यहाँ पर सफाई का निज़ाम नहीं है, चाहे वो टी एम है चाहे वो हुकूमत के दीगर इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब हम सीरियस होंगे, सीरियस होने के लिए हमें प्रैक्टिकल काम करना होगा, और यही स्टेप हमने लिया है, अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाब करे। अच्छा, हम थोड़ा पाकिस्तानियों का जज्बा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भाई आए हैं बाइक पर, और कहां से आए, कितना फासला तय करके आए, ये भाई से पूछ जाना चाहेंगे। भाई का नाम और जरा हमें बताइएगा तकलीफ से आप यहाँ तक पहुँचे। नहीं, तकलीफ कोई नहीं, देखिए एडवेंचर है इसमें, हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। अक्सर पंचर हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार क्या जलालत है, लेकिन इससे घबराना नहीं, इसमें अल्लाह ने खैर रखी होती है। मेरा नाम जुनेद ट्रैवलर है, ट्रैवलर मतलब सफ़र करने वाला। मैं 12:30 बजे ड्यूटी से आया हूँ, तो मैंने अभी वीर भाई की पोस्ट देखी, तो मैंने देखा कोई तो सुबह 10 बजे इन्होंने टाइम दिया, उसी टाइम प्लान किया मैंने, और रात को इतना बादो बारान और जुल तूफ़ान शदीद तूफ़ान, और जब निकलूँ तो बिलीव नहीं कि ये बस इन शॉपरूम में मैंने अपने बैग वगैरह बंद किए, और 5 बजे निकलूँ फिक्स 9 बजे इधर आके ब्रेक लगाई, किधर भी पानी